वेलकम बैक। मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मा गर्मी का माहौल है, ऐसे में कई सारी पार्टियों के पास दागी कैंडिडेट की सूची है। आइए जानते हैं किस पार्टी के पास कितने ज्यादा दागी कैंडिडेट है और कितने सही कैंडिडेट पार्टियों ने चुने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पहले दो चरणों के मुकाबले दागी उम्मीदवारों की संख्या खटी है। इस चरण में 22% कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कांग्रेस की फुरखाबाद सीट की कैंडिडेट लुईस खुर्शीद पर दर्ज है। करोड़पतियों कैंडिडेट की सूची में बपीना से यशपाल सिंह यादव शीर्ष पर है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 52% दागी उम्मीदवारों को टिकट दी है। वह करोड़पति उम्मीदवारों की सूची में भी शीर्ष पर है। सपा ने 58 में से 30 बाहुबलियों को टिकट दी है, जबकि भाजपा ने 55 में से 25 यानी 46% बाहुबलियों पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADIR ने मंगलवार को तीसरे चरण की रिपोर्ट जारी की है।